पंजाब रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने दी चेतावनी, वेतन न मिला तो 12 अप्रैल को सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो बाई डी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात कर रहे हैं पंजाब रोडवेज की। पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने कहा है कि 10 तारीख होने के बावजूद पनबस कर्मचारियों की वेतन अदायगी के लिए विभाग के पास 10 करोड़ भी नहीं है। अगर तुरंत वेतन न जारी किया गया तो 12 अप्रैल को सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में निःशुल्क सफ़र की सुविधा की राशि पंजाब सरकार ने अभी पनबस व पीआरटीसी को अदा नहीं की है। बीते 4 महीनों से करोड़ों रुपए के बिल सरकार के पास पड़े हैं, लेकिन विभाग का कोई पैसा नहीं दिया गया। इसी कारण लंबे समय से बेहद कम वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन लेट मिल रहा है। 10 तारीख होने के बावजूद पनबस कर्मचारियों की वेतन अदायगी के लिए विभाग के पास 10 करोड़ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के बजाय कच्चे मुलाजिमों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा। विभाग की तरफ से पनबस की नई बसों को चलाने के लिए स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए फारिग किए जा चुके कर्मचारियों को बहाल करने की कोशिश तक नहीं की जा रही, बल्कि ठेकेदार से मिलकर लाखों रुपए रिश्वत लेने के लिए नई भर्ती निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनियन ने पंजाब सरकार एवं रोडवेज विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि पनबस के सभी कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए और उनका वेतन तुरंत अदा किया जाए और अन्य मांगों का भी हल तुरंत निकाला जाए, अन्यथा 12 अप्रैल को सभी डिपो में गेट रैली निकालियाँ जाएंगी और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। अगर फिर भी मसला हल न हुआ तो बस स्टैंड बंद कर कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इन्फो बाई डीके को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी दबा ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।